वेरी गुड। तो अभी तक हम लोग सर्कल में ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स। एक टॉपिक है हमारा रेडिकल एक्सिस, लेकिन पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ बताया था जो उसको डिस्कस करना है। देखिए, आपको पिछले क्लास में जो है डायरेक्टर सर्कल मैंने बोला था कि पहले डायरेक्टर सर्कल करेंगे, है ना। तो पहले डायरेक्टर सर्कल मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये काफी छोटा टॉपिक है। लो, हैंग करना शुरू हो गया। डायरेक्टर सर्कल, देखिए कोई भी सर्कल है, आज है 24th फिर कोई भी सर्कल के लिए अगर इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? किसी भी पॉइंट से आप एग्जैक्टली बाहरी पॉइंट है तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बाहरी पॉइंट है तो दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर बाहरी पॉइंट्स आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम अगर सेंटर से मिला दे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है, ये पी पॉइंट है, सेंटर से मिला दे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए एंड बी को। इफ दिस एंगल, इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वेन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवेन सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवेन सर्कल। तो यहाँ पे पी का लोकस कैसा होगा, किस तरह का दिखाई पड़ेगा, उसके लिए हम छोटी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए क्या होगा, हम ओ से पी को ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो आप देख सकते हो ओ से पी को ज्वाइन करोगे तो ओपी डिस्टेंस कितना होगा, ओपी डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो चूंकि हमारा रेडियस ओए जो है वो पीए के परपेंडिकुलर होगा, यहां पे ओबी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा पीबी के, और पी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ओ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा और ओ ए और ओ बी दोनों आर के इक्वल है, तो इस रेक्टेंगल में ओ ए पी बी रेक्टेंगल में पी बी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और पी ए भी आपका आर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी रेडियस के बराबर हो रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी रेडियस के बराबर हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई बिल्कुल इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना, ओ ए पी बी ये एक स्क्वायर बन जाएगा। जब पी डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट है, जब पी से दो टेंजेंट हम 90 डिग्री पर ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के लिए, तो ओ ए पी बी एक स्क्वायर हो गया, ओ ए पी बी एक स्क्वायर हो गया। और ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि ओपी जो है √2 r हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, √2 r हो जाएगा। और चूंकि गिवन सर्कल, सर्कल मेरा क्या है, गिवन है सर्कल, अगर गिवन होगा इसका मतलब रेडियस क्या है, नोन क्वांटिटी है, सो ओपी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, ओपी क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया। इसका मतलब लोकस ऑफ पी कैसा दिखाई पड़ेगा, एक सर्कल दिखाई पड़ेगा, ओपी जो है वो कांस्टेंट हो गया, हेंस पी फॉलोस अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ अराउंड अराउंड ओ विच इज सेंटर। तो इस सर्कल का इक्वेशन तो यहीं से फाइंड कर सकते हैं ना, सेंटर हमारा क्या -g - f है, तो हम लिखेंगे सेंटर हमारा -g - f है, रेडियस हमें पता ही है, तो ये लिख सकते हैं सर्कल का इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म से, x+g² y+f² इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस कितना है मेरा, √g² f² - c है, इसका होल स्क्वायर करना होगा है ना, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग x² y² 2gx 2fy, और यहाँ पे g² + f² - c। अच्छा एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, ओपी का वैल्यू क्या √2 r है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 times जनरेट होगा, तो ये हो जाएगा 2 times g² f² - c। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे c नहीं था, LHS में c मिसिंग था, इसको हटाते हैं पहले, तो इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन जो है हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को बेहतर समझने के लिए हम लोग इसको एक रिजल्ट की तरह लिखेंगे कि x² y²
टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस, यहां से आप क्या करिए एक सी ले आइए, ठीक है, और चीजों को कैंसिल आउट करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। इसका मतलब एस इक्वल टू आर स्क्वायर जो है, एस इक्वल टू आर स्क्वायर जो कि रेडियस है, यही मेरा क्या है डायरेक्टर सर्कल का फॉर्मेट बन गया। किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल जो है एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन हम लोग एस इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? तो ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया। क्योंकि ये सिंपल एक टॉपिक था इसलिए इसमें और बहुत ज्यादा मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली नए टॉपिक रेडिकल एक्सिस पर चलूंगा। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस को समझने के लिए एक टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट। देखिए पावर ऑफ पॉइंट क्या है, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और अंदर या बाहर कहीं पर एक पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे ये P मेरा पॉइंट है, और इससे वैसा सीकेंट आप लीजिए जो सेंटर से पास कर रहा हो सर्कल के, ऐसा सीकेंट लेना है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो। ठीक है, और ये सीकेंट सर्कल को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पी ए टाइम्स पी बी की बात करते हैं, पी ए टाइम्स पी बी, पी ए टाइम्स मतलब क्या हो रहा है, पोर्शन मतलब प्रोडक्ट ऑफ पी ए एंड पी बी, ये एक स्पेशल क्वांटिटी है, इसके बारे में वैसे आप लोग जानते हो, लेकिन इस स्पेशल क्वांटिटी को ही क्या कहा गया है, पावर ऑफ पॉइंट कहा गया। पावर ऑफ पॉइंट कहा गया, लेकिन ये आपका डायरेक्शनल है, ये आपका डायरेक्शनल क्वांटिटी है पीए और पीबी। मतलब अगर आप एपी लिखते हो ना तो उसको निगेटिव फिर मान लेंगे। सो पीए टाइम्स पीबी क्या है, पावर ऑफ पॉइंट है, और ये डायरेक्शनल क्वांटिटी होता है, समझे। सो पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है। वैसे आप लोग एक थ्योरम जानते हो, क्या थ्योरम जानते हो, पी ए टाइम्स पी बी जो होता है वो पी टी स्क्वायर के बराबर होता है ना, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अगर P पॉइंट से हम
पीटी टेंजेंट ले ले सर्कल पर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा इस केस में जब बाहरी पॉइंट है तो? पीटी स्क्वायर के बराबर होता है ना, और पीटी स्क्वायर में आप लोग को पहले ही बता चुका हूं वो किसके बराबर होता है, एस वन के बराबर होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताया गया था रूट एस वन होता है, तो यहां पे पीटी स्क्वायर चूंकि आएगा तो हम लोग इसको एस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका एस वन जो है पावर ऑफ पॉइंट डिनोट करता है, एस वन जो है आपका पावर ऑफ पॉइंट डिनोट कर रहा है। सो पावर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू एस वन, और ये बाहर के पॉइंट के लिए तो हम लोग एस वन बोल रहे हैं, ये एस वन डेफिनेशन इसके अंदर के लिए और ऑन द सर्कल के लिए भी वैलिड है। दिस डेफिनेशन और इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी पी या ऑल पी पॉइंट, कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर हो बाहर हो या ऑन द सर्कल हो, सबके लिए पावर पॉइंट क्या है, एस वन है। और आपको याद होगा कि बाहर वाला पॉइंट जो होता है उसका पावर क्या होता है, एस वन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना। सो पावर के रिस्पेक्ट में एक्सटेरियर पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, एक्सटेरियर पॉइंट का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। इंटीरियर पॉइंट के लिए अगर पावर हम लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकली भी आप निगेटिव देख सकते हो, हम एक सर्कल लेते हैं और इसके अंदर एक पॉइंट लेंगे जिसको हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे, देखिए इसके अंदर एक मैं पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि मुझे डायगोनल लेना है, डायगोनल बोल रहा हूँ, डायमीटर लेना है तो मैं डायरेक्टली ना डायमीटर लेता हूं और डायमीटर पर कोई एक पॉइंट पी ले लेता हूं, ये मेरा पॉइंट पी है और ये मेरा सेंटर सी हो गया, ये देखो ए हो गया और ये हो गया बी। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी अगर मैं करता हूं तो देखिए PA आपका बैक डायरेक्शन में और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना, तो PA टाइम्स PB क्या हो जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आपको मिलेगा। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट अगर कर लोगे तो ये वैल्यू हमेशा आपका किसके बराबर आएगा, S1 के बराबर आएगा। तो इस केस में भी S1 ही है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मैं जबरदस्ती थोप रहा हूं, ठीक है, तो ये भी S1 ही आता है, इसलिए आपका S1 क्या हो जाता है, पावर ऑफ पॉइंट हो जाता है। और कोई पॉइंट अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लोगे आप तो उसका जो है PA और PB दोनों में से कोई एक जीरो होगा, इसलिए उसका पावर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो पावर ऑफ पॉइंट कॉन्सेप्ट जो है किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइंड है। तो अब हम लोग जो है पावर ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल करके रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करेंगे। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन वेरी वेरी सिंपल है, रेडिकल एक्सिस ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ सर्कल्स, given pair of circles C1 and C2, C1 and C2 is the
लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट such that the point has equal powers with respect to circle c1 and c2. तो radical axis का हम इक्वेशन फाइंड करना चाहेंगे, डेफिनेशन हमारे पास है, सो लेट सेवन सर्कल हैज इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी वन एक्स टू एफ वन वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड सर्कल, वेरी गुड शाश्वत, सेकेंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी टू एक्स टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. सो रेडिकल एक्सिस लेट पी H, K be any point on radical axis. Therefore, power will be equal. So power to S1 hota hai. So with respect to C1, we will write S square, K square, 2G1H, 2F1K plus C1 must be equal to H square, K square plus 2G2H, F2K plus C2. और यहां पे अगर आप इसको फॉर्मूला की तरह देखते ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू जीरो. मतलब दोनों सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा. दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा और वही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा. और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो गया, हम लोग को मिल गया टू टाइम्स जी वन माइनस जी टू टाइम्स एच, जिसको एक्स लिख सकता हूं ना मैं, तो एक्स ही मैं लिख देता हूं एच को हटाकर, टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ टू वाई प्लस सेवन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो. यही आपका रेडिकल एक्सिस का किसी भी केस में इक्वेशन मिल रहा है. और ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो रेडिकल एक्सिस की खासियत क्या क्या चीजें होती है उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है. इनकी खासियत क्या क्या होती है इनके बारे में हम देखते हैं.
सबसे पहला खासियत यह है कि रेडिकल एक्सिस इन एनी केस, रेडिकल एक्सिस इफ एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द सर्कल। ये चीज आप यहां से देख सकते हो, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या है, देखिए इक्वेशन यहां से मिल गया हमें, हम लिख सकते हैं J1 - J2 / F1 - F2 का निगेटिव और स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ज्वाइनिंग सेंटर्स वो क्या हो जाएगा, F1 - F2 / G1 - G2। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है ना, बट एम टाइम्स आर ए इंटू एम टाइम्स C1 C2, मैं नेम कर रहा हूं लाइन सेगमेंट को, इज इक्वल टू -1, हेंस दे आर परपेंडिकुलर। दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर है। अगर हमने यहां पे बात की है कि एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस केस में एक प्रॉपर्टी में लिख सकता हूं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पास रेडिकल एक्सिस नहीं होता। टू सर्कल्स have not a radical axis, have not a radical axis if they are concentric, if they are concentric। क्यों, चूंकि आप ऊपर के इक्वेशन में देख चुके हो कि कॉन्सेंट्रिक होगा तो G1 इक्वल टू G2 होगा और F1 इक्वल टू F2 होगा, तो X और Y वाला टर्म ही मिस कर जाएगा, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पास रेडिकल एक्सिस नहीं होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल हुआ और दूसरा सर्कल हुआ, इनकी साइजेस थोड़ी छोटी कर देते हैं, ये जो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा, इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा, वेरी गुड शांतनु, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा,
दोनों के इंटरसेक्टिंग के केस में। ठीक है, कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस। बात समझ में आई कैसे? अब देखिए क्या है, अगर इसको S1 इक्वल टू जीरो हम रखेंगे, इसको S2 इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो A मान लेते हैं, ये X0 कॉमा Y0 है। सो S1 माइनस S2 जो इक्वेशन होगा यही मेरा रेडिकल एक्सिस होता है जी। एक मिनट, यही हमारा रेडिकल एक्सिस है। तो x नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है ना दोनों का, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। Points of intersection that is A x not comma y not। ठीक है, उसी तरीके से इस पॉइंट से, तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर का दो पॉइंट हमने बता दिया है, इसका मतलब ये डिटरमाइन हो चुका है, इसीलिए ये कॉमन कॉर्ड जो होगा वही मेरा क्या है, रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर का दो अलग अलग पॉइंट हमने क्लियर बता दिया है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन हो चुका है ना। तो रेडिकल एक्सिस जो है बताया जा रहा है कि ए और बी से पास कर रहा है, इसका मतलब वो कॉमन कॉर्ड ही है, कोई नया लाइन नहीं होगा। बात समझ में आई? अब देखो यहां पे चौथा जो इसका प्रॉपर्टी होता है, देखिए सब ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखिए, दो सर्कल जब आपके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तब क्या होता है? दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है तब क्या होगा? तो एक दूसरे के पहले हम बाहर ले रहे हैं, देखिए ये सर्कल पहले हम एक दूसरे के बाहर ले रहे हैं, तो जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वैसे केस में रेडिकल एक्सिस जो होगा वो एक बीच का लाइन जो है वहां से पास करेगा। देखिए कैसा, दोनों सर्कल के बीच से पास करेगा, और इसमें एक बात क्लियर होना चाहिए, वो चूंकि परपेंडिकुलर होगा तो इतना तो आप खुद भी सोच सकते हो, ये जो छोटे सर्कल के नजदीक होगा, ठीक है, क्यों नजदीक होगा आप इस बात को यहां से मेजर कर सकते हैं। कैसे? देखिए,
और इवन आप ये भी बता सकते हो कि ये किस पॉइंट से गुजरेगा, जैसे ये मेरा सी वन है, सेंटर वन हो गया, इसका कुछ रेडियस होगा, और ये मेरा सी टू है। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये रेडिकल एक्सिस है ना हमारा, तो इसका जो कॉमन पॉइंट है हाँ, तो यहां पे हम क्या कह रहे थे कि टेंजेंट लीजिएगा सर्कल नंबर वन पे, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट हम लोग को लेनी होगी सर्कल नंबर टू पे। वैसे तो दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, बराबर है ना, दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है। थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, डायग्राम में थोड़ा सा फ्लॉ आ गया। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, लगता है डायग्राम उल्टा बन गया ना, बड़े सर्कल के करीब आ रहा है, बड़े सर्कल के करीब आएगा, डायग्राम उल्टा चला गया। तो डायग्राम में कितना चीज हटाना पड़ेगा, कुछ नहीं हटाना पड़ेगा, हम समझ गया, सिर्फ इस लाइन को पकड़ लेते हैं। इसको इधर कर देते हैं, चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया डायग्राम, इसी को पी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे पीटी मान लेते हैं कि यही मेरा पॉइंट ऑफ जो है आपका ए इंटरसेक्स टचिंग हुआ और ये बी हुआ, तो पी ए इक्वल टू मेरा पी बी है, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। और ऐसे केस में आप देखिए, इस पॉइंट का नाम अगर हम एक्स लेते हैं, इस पॉइंट का नाम अगर वाई लेते हैं, इस पॉइंट का नाम अगर हम आर लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम अगर एस लेते हैं, तो पी ए स्क्वायर जो होगा टेंजेंट सेकेंट रूल से पी एक्स टाइम्स पी वाई हो जाएगा, और यहां पे आपका पी आर टाइम्स पी एस हो जाएगा, होगा। तो चूंकि ये प्रोडक्ट को बराबर लगभग रखना है, तो यहां पे एक क्वांटिटी काफी बड़ा होता और एक छोटा हो रहा है। खैर ये सब तो कंक्लूजन जो है डायरेक्ट, हाँ, इस केस में हमेशा क्या होगा, बाहर ही आएगा सर्कल के, है ना, इस केस में हमेशा सर्कल के बाहर ही आएगा। और ये कंक्लूड करना भी कहां पर होगा, ये थोड़ा हम लोग मूर्खता कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा डायरेक्टली एकदम बताना सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि दोनों सर्कल अगर बराबर होंगे तो ये एकदम बीचों बीच से क्रॉस करेगा। तो यहां पे हम पी एक्स इंटू पी वाई को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी सी वन स्क्वायर माइनस
आर वन स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं पी सी टू स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो आर वन और आर टू में कौन बड़ा है? आर वन बड़ा है ना, आर वन बड़ा है, आर टू छोटा है, मतलब पी सी टू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहां से तो कुछ कंक्लूजन हम लोग को मिल नहीं रहा। यहां पे हम इतना बोल सकते हैं कि पी सी वन जो होगा वो ग्रेटर होगा पी सी टू स्क्वायर से, इतना ही हम बोल सकते हैं। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आर वन बड़ा है तो पी सी वन को बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बड़े क्वांटिटी में से बड़ा क्वांटिटी जाएगा तब एक कांस्टेंट क्वांटिटी जनरेट हो सकता है। तो पी सी वन जो है पी सी टू से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो रहा कि पी इज फर्दर फ्रॉम सेंटर ऑफ बिगर सर्कल। पहले डायग्राम लगता है सही बना था, सेंटर ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो P आपका जो है सेंटर ऑफ बिगर सर्कल से बड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, मतलब आपका पी सी वन जो है पी सी टू से बड़ा होगा। अब सर्कल के बाउंड्री के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो अलग चीज दिखाई पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में नहीं देखना है, सेंटर के रेस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, सो पी जो होगा दूर होगा सेंटर ऑफ बिगर सर्कल से, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और रेशियो आपको पता चल चुका है कि रेशियो क्या हो जाएगा, पी सी वन बाय पी सी टू इसका रेशियो है, और पी सी वन फाइंड करना बहुत आसान काम नहीं है। हम इसको पी सी वन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके कर सकते हैं कि टेंजेंट का जो लेंथ होगा पी पॉइंट से, है ना, लेकिन वो टेंजेंट तो पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, इसलिए बेटर होगा कि इस केस में हम पी के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करें। देखिए लास्ट थ्री स्टेप्स में बता रहा हूं, सबसे पहले आपका पी ए इक्वल टू पी बी, ये तो क्लियर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों पर बराबर होगा, पावर चूंकि बराबर है इक्वल पावर्स की वजह से तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, और पावर का स्क्वायर जो है वो पी एक्स इंटू पी वाई के बराबर होगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ये जो है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है, क्लियर है शाश्वत? यस सर। अब देखो यहां पर पी एक्स इंटू पी वाई को हम क्या लिखेंगे, पी सी वन माइनस रेडियस, और पी वाई को लिख सकते हो पी वाई को पी सी वन प्लस रेडियस। देखिए इसको पी एक्स को क्या लिखोगे आप, पी एक्स को लिख सकते हो पी सी वन माइनस रेडियस, और इनको लिख सकते हो पी सी टू सी वन बेसिकली प्लस रेडियस। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे पी सी वन स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और ये पाइथागोरस थ्योरम से भी दिख रहा, देखो ये हाइपोटेनियस है और ये रेडियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर। अब देखिए क्या है यहां पे, चूंकि मेरा आर वन जो है बड़ा मैं सपोज करके चल रहा हूं, है ना, आर वन मेरा बड़ा है, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, और यहां पे डिफरेंस जो है कांस्टेंट बताया गया, तो पी सी वन हैज टू बी ग्रेटर देन पी सी टू, एम आई राइट? ये समझ में नहीं आया, पी सी वन स्क्वायर पी सी टू स्क्वायर से बड़ा होगा, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, पी इज फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, यही कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। और रही बात रेशियो वगैरह की, तो रेशियो वगैरह के लिए हम लोग को थोड़ा और काम करना पड़ेगा, समझे। इसको आप कॉमन टेंजेंट से रिलेट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है ना उससे भी आप रिलेट करके देख सकते हो क्या चल रहा है वहां पर, लेकिन उससे रिलेशन नहीं मिलेगा उतना ढंग का। 1 मिनट, हेलो। 7 बजे में से निकल दूँ, अभी क्लास लो अपना, ठीक। हाँ आओ पहले, ठीक। तो इस केस में आप पी को डिसाइड कर लिए, जब सर्कल इक्वल होगा, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा तो पी सी वन विल बी इक्वल टू पी सी टू, मतलब सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और बाकी केसेस में ये सब डिसाइड करना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा कि पी कहाँ पर होगा, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग इस केस तक समझते हैं कि टेंजेंट जो है इक्वल होता है, बाकी जरूरत नहीं है। हाँ एक केस और इम्पोर्टेंट कौन सा है, जिस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, जिस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, क्या इस केस में आप लोग गेस कर सकते हो क्या होगा? दोनों सर्कल एक दूसरे को अगर टच करेगा तो इस केस में रेडिकल एक्सिस क्या होगा? लिमिट की थ्योरी से आप सोच सकते हो, वेरी गुड। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे ऊपर वाले केस से? एक ही पॉइंट पर चला जाएगा, बहुत बढ़िया आर्यन। तो रेडिकल एक्सिस जो है ये कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, यही है तुम्हारा कॉमन टेंजेंट और रेडिकल एक्सिस। लेकिन हर एक कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस होगा ये कोई जरूरी नहीं है, समझे। तो ये आपका रेडिकल एक्सिस का जो है ड्रामा है। इसमें एक और पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कॉमन टेंजेंट से रिलेट करके, जो कि ध्यान में रखना है। रेडिकल एक्सिस जो होता है, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्स बाइसेक्स पोर्शन ऑफ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट, पोर्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सर्कल। मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि अगर हम दो सर्कल ले रहे हैं, अगर हम दो सर्कल ले रहे हैं तो इनका जो डायरेक्ट टेंजेंट है
या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट है उनके मिड पॉइंट से पास करेगा। तो मेरा रेडिकल एक्सिस जो है इनके मिड पॉइंट से पास करेगा ऐसे। ये है मेरा रेडिकल एक्सिस और ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इनका जो पोर्शन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में ए और बी है ना, उसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा? क्योंकि मिड पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है बराबर है, एम ए इक्वल टू एम बी है ना, तो एम कहां पर लाई करेगा? रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। इसी तरीके से आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट जो यहां से पास करेगा उसको भी मिड पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये है आपका रेडिकल एक्सिस का प्रॉपर्टी। अब अगला जो टॉपिक है वो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का टॉपिक है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ये इंटरसेक्टिंग के लिए जनरली हम लोग काम करते हैं। अदरवाइज एंगल क्या लेंगे? अदरवाइज नहीं बोलना चाहिए, टचिंग के केस में जीरो लेंगे। तो इंटरसेक्टिंग के लिए देखिए क्या डिफाइन किया गया है। फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स the angle of intersection, the angle of intersection is defined as the angle between their tangents at the point of intersection, तो इसको डायग्राम से समझते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक सर्कल हुआ मेरा, दूसरा सर्कल हुआ, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिए और दोनों की टेंजेंट बना लिए। देखिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक सर्कल का टेंजेंट और दूसरी सर्कल का टेंजेंट
ठीक है, ऐसे देखने में बड़ा शानदार लग रहा। तो यही जो एंगल है, इसी एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन सर्कल कहते हैं। यही जो एंगल दिखाया गया है, यही क्या है? एंगल बिटवीन सर्कल। तो अब कहोगे कि दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। सो इस पे भी हम लोग जो है टेंजेंट बनाएंगे। तो चूंकि सर्कल क्या है, सिमेट्रिक बॉडी है ना, तो यहाँ पे भी एंगल आपको सेम दिखाई पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्या समझे? कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि ये मेरा सेंटर हो गया, देखो यहाँ पे भी एक्चुअल डायग्राम थोड़ा है नहीं, इसलिए गड़बड़ हो सकता है। चलो यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ मैं। ये है C1 और C2 मेरा सेंटर है, तो कॉस थीटा, इसको जो है थीटा माना गया है। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आता है, मैं डिराइव नहीं करूंगा। PQ जो है आपका, ये C1 C2 को बोल रहा है, इसके डायग्राम में PQ लिखा हुआ है। सो मैं C1 C2 यूज करूंगा। C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, उसी चैप्टर से ये डिराइव किया जाता है। थोड़ी सी कॉस थीटा वाली फॉर्मूला लगा करके, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया जाएगा, उसी फॉर्मूला से इसको डिराइव किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, ठीक है। तो मैं एक केस ले आऊं, लेकिन इसमें जो है अलग अलग केस लेना पड़ेगा आपको। और ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल बिटवीन टू सर्कल। व्हाट इंपॉर्टेंट इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल्स किसको कहते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल, तो टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। मतलब दो सर्कल अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या, उनको क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल सर्कल कहेंगे। और ऐसे केस में बहुत ही अच्छा ये ऊपर जो डायग्राम बना ना, वो ऑर्थोगोनल केस का ही है। ऐसा भी लग रहा है कि 90 डिग्री पर है दोनों, है ना। तो देखिए इसका डायग्राम जो है, दोबारा मैं प्लॉट करता हूं। चलिए इसको मान करके चलते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, थोड़ा सा और, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनल दिखेगा। तो ऑर्थोगोनल में क्या होगा कि एक सर्कल का जो टेंजेंट है,
कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो ये जो टेंजेंट होता है सी एक्स जो होता है टेंजेंट, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब सी वन सर्कल जो है इसके रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ना सी एक्स, इसका मतलब ए से जो ये परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है वो क्या होगा, सेंटर से पास करेगी, ठीक है, ये आपके सेंटर से पास करेगी। और इसका सी वन का जो टेंजेंट है वो सर्कल टू के सेंटर से पास करेगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, क्लियर। तो ऐसे केस में आपका सी वन सी टू होल स्क्वायर जो होता है वो सी वन ए के होल स्क्वायर सी टू ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे सर्कल का अगर जनरल इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे इसका सेंटर माइनस जी वन माइनस एफ वन ले और इसका सेंटर माइनस जी टू माइनस एफ टू ले, रेडियस आप आर टू ले लें इसको, ठीक है, और इसका रेडियस आर वन ले लें, तो जनरल सर्कल के इक्वेशन के हिसाब से बहुत अच्छा इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा जी वन माइनस जी टू का होल स्क्वायर सेंटर के बीच का डिस्टेंस, एफ वन माइनस एफ टू का होल स्क्वायर, सी वन ए क्या है रेडियस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी वन स्क्वायर एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन और जी टू स्क्वायर एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा टू टाइम्स जी वन इंटू जी टू, टू टाइम्स एफ वन इंटू एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, और ये आपको याद कर लेना है ये कंडीशन। दो सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे तब आपका टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू प्लस सी वन सी टू होगा। और यहां पर ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है कि बाय इंप्लीकेशन ना लिखा जाए, मतलब हम जो है हर एक स्टेप का आगे का जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं कैंसिल हो गया, एक मिनट रुक जाओ स्क्रीन चला गया है। तो मैं ये बोल रहा था कंडीशन जो है हर एक स्टेप पे बाई कंडीशनल है, किसी भी स्टेप पे सिंगल कंडीशनल नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाई इम्प्लीकेशन वर्ड यूज कर सकता हूँ फॉर गिवन पेयर ऑफ सर्कल, मतलब ये कंडीशन वैलिड होगा तो सर्कल आपस में ऑर्थोगोनल होंगे और ऑर्थोगोनल होंगे तो ये कंडीशन भी वैलिड होगा, ठीक है, बाई इम्प्लीकेशन। तो ये ध्यान रखेंगे ये नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन हो गया है, और समझ माई। तो यही है तुम्हारा ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट और रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रह गया है कॉमन कॉर्ड का लेंथ, तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे एनालिसिस हम लोग को करना पड़ेगा, थोरो एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल के केस में कॉमन कॉर्ड फाइंड करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है, और बाकी जनरल केस में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो सर्कल का कॉन्सेप्ट वाइज एक तरीके से हम लोग खत्म कर चुके हैं, कॉमन कॉर्ड भी हम फाइंड कर ही लेते हैं जब सारा कुछ बता ही चुके हैं। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड
सबसे आसान तरीका क्या होगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड करने का, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आपको S1 इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा, S2 इक्वल टू 0 भी दिया हुआ रहेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको सेंटर पता होगा दोनों का, क्लियर, दोनों सर्कल का सेंटर पता होगा, तो C1 और C2 को ज्वाइन कर लेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे। तो ये A पॉइंट हो गया, A C1 C2 एक ट्रायंगल बन गया है, लेकिन AC1 C2 ट्रायंगल में ऐसा नहीं सोचना कि ये राइट ट्रायंगल बना, ये ऑर्थोगोनल के केस में राइट बनेगा, ठीक है, और बाकी केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से फॉलो लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इसको, है ना। हम लोग को डिसाइड करना है AM, AM क्या हो जाएगा, यही आपका फाइंड करना है। AM का वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, पहला केस तो ये है, देखो मेथड वन जो काफी सिंपल है और इफेक्टिव भी होगा, आप रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड लिखेंगे और इक्वेशन ऑफ C1 C2 लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ C1 C2 लाइन सेगमेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो M मिल जाएगा। एम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब देखिए एम जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहां पे फॉर एम इन एनी सर्कल टू टाइम्स रूट ओवर माइनस S1, मतलब SM में लिख देता हूं, यही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। समझ में आई बात, टू टाइम्स रूट ओवर माइनस SM, माइनस SM क्यों, क्योंकि पावर पॉइंट निगेटिव होगा M का दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में, और दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर पॉइंट बराबर होगा, है ना। तो टू टाइम्स रूट ओवर माइनस SM जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा इफेक्टिव जो है वैल्यू फाइंड करना वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा। देखो दूसरा जो ज्योमेट्रिक तरीका हम लोग बचपन में जो सर्कल वगैरह में इस्तेमाल कर देते थे, उसमें क्या होता था कि C1M को मान लेते थे कुछ X, और C1 C2 का डिस्टेंस पता होता समथिंग माइनस X, और इसको Y कहते थे। तो पहले हम X फाइंड करते थे, तब हम क्या फाइंड करते थे, Y फाइंड करते थे, है ना। पहले X फाइंड करते थे ये वाला, इसको हम लोग कई दफा ना एक्स मान लेते हैं, तो ये आपका C1 C2 माइनस एक्स होता है, और इसको वाई एज्यूम करते हैं,
और दोनों सर्कल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मतलब इसमें मेथड टू में क्या हो जाएगा, मेथड टू में ये हो जाएगा आपका, आपको इस केस में एम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, समझे, मतलब आपको मेथड टू में एम नहीं फाइंड करना, आप सपोज कर लेना कि ये एम एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको एक्स मानोगे और ये सी1 सी2 जो आपको पता है ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपका देखिए क्या बन रहा है, आर वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वाई वन स्क्वायर या वाई स्क्वायर, और सिमिलरली आर टू स्क्वायर माइनस c1 c2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब क्या करना है, यहां से सिंपली फाइंड एक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग फाइंड एक्स, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस c1 c2 और यहां पे प्लस 2c1 c2 इंटू एक्स आ गया इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस c1 c2, ये c1 c2 आएगा ना, इसका होल स्क्वायर होगा, और यहां से r1 स्क्वायर माइनस में होल डिवाइडेड बाय 2c1 c2, ये x वैल्यू हुआ, और अब x यहां पर रख करके y फाइंड कर ले, देन फाइंड y, और y का डबल जो हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्कल में हर एक टॉपिक थ्योरी वाइज मैंने डिस्कस कर दिया है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीक में क्लास होगा, उस वीक में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग खुद से पूरे मॉड्यूल का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 1A एटलीस्ट, एक्सरसाइज 1A का हर एक न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करेंगे, ये नेक्स्ट वीक में डिस्कस किया जाएगा। आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूं अटेम्प्ट कर लीजिएगा, सॉल्व हो सॉल्यूशन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ कुछ एग्जांपल खुद से भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कल हम लोग नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीक में बाकी डिस्कशन करेंगे। हैव ए नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।